एडजस्ट कर देते, चाहे वो एरिया बढ़ा के करते, चाहे कुछ करते, लेकिन रेरा में जब ये आ गया कि उन्हें उतने ही प्रतिशत जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी, डिले पेनल्टी, जितनी के उन्होंने ब्याज लिया है हमसे, तो उन सब के सामने समस्या खड़ी हो गई है। मैं अगर कैलकुलेट करूं कि 2013 में मुझे पोजेशन मिलना था, मैंने 40 लाख रुपए बिल्डर को 2013 तक दे दिए थे, 13 से लेकर 2017 चार साल हो गए, एक आध साल और बढ़ जाएगा अभी पोजेशन मिलने में, मान लीजिए अगर मिलता है तो हाइपोथेटिकल बात है, 6 साल के बाद अगर 18% ब्याज अगर मुझे देता है तो कितना बना, सोचिए जरा, सारे पैसे मुझे दे देगा लौटा के क्या? ये सबसे बड़ी समस्या थी। सारे बिल्डर भागे गए हैं सरकार के पास कि भाई ये क्या कर दिया, हम मर जाएंगे। तो आईबीसी 2016 में लाया गया साथ के साथ ही, ये आईबीसी ऐसी गंगा बहाई है केंद्र सरकार ने कि सारे पाप धुल जाए, हम बिल्डर्स के जाके नहा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। क्यों? अगर आप बैंक्रप्सी में चले गए, आपको देना कुछ पड़ेगा नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा, और आप बैंक्रप्ट होने के बाद उनको जो है सबसे नीचे की कैटेगरी में क्रेडिटर में रखेंगे हम आपको, वो जो बचा खुचा होगा। एक एग्जांपल दिया करता हूं अक्सर इस विषय में कि अगर हमारे यहाँ एक शादी है, लड़की की बारात आती है, तो सबसे पहले बारातियों को खाना खिलाया जाता है, वो है हमारे बैंक्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद घर वाले खाना खाते हैं, वो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सामान दिया था, वो एम्प्लॉयज जिन्होंने वहां पर कार्यरत थे, सेवाएं प्रदान की थी। और तीसरी कैटेगरी में बचा कुचा खाना भिखारियों को बांटा जाता है, वो आप हम थे सब। यानी कि आपके दिए हुए का 10-20% मिल जाता तो आप शुक्रगुजार होना चाहिए था। नतीजा क्यों कर किया ऐसा इन्होंने? मुझे लगता है आशंका ही नहीं, विश्वास भी है कि बैक डोर से बहुत बड़े बिल्डर्स इन चीजों में कॉर्पोरेट इसमें कूद कर आना चाहते हैं, इनको दिवालिया करके इन्हीं यही प्रॉक्सी कंपनीज बना के दोबारा लेंगे, आपको 5-7 लाख रुपए ठरका के देके आपके फ्लैट्स अपने कब्जे में करेंगे, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30 लाख वाला फ्लैट बेचेंगे। ये होने वाला है अगर आप नहीं चेते तो। इन सब चीजों को चलने दें, झेलते रहें, या एक होकर एक आवाज उठाकर हम लड़ाई लड़े। तो जब मेरे साथ निरंजन जी की मुलाकात हुई, मेरे नेम सीख हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा एक हम मंच बनाना चाहते हैं जिस पर सारी एसोसिएशन आकर एक मंच पर होकर लड़े। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। आपकी आवाज न कारखाने में तूती की आवाज की तरह सी थी, लेकिन अब हमारी आवाज सुनी जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वास्तव में हमें करना क्या है? एक तो हमें आवाज उठानी है हार्मोनाइजेशन की, आईबीसी, रेरा और यूपी अपार्टमेंट एक्ट। और ये आवाज हम दो तरह से उठा सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए और एक दूसरा है आंदोलन के जरिए। दोनों तरीके से हमें अटैक करना पड़ेगा, तभी ये सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार बहरी नहीं है, जानती है सब, जानबूझकर ये किया गया है खेल। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी या इसका रास्ता बंद नहीं करेंगे, ये नहीं रुकेंगे, ये रौंदते हुए चले जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें ये दोनों रास्तों पर विचार करना चाहिए। दूसरा है अथॉरिटी को सेंसिटाइज करना, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी है, चाहे वो ईडा है, चाहे वो यूपीएसआईडीसी है, ये भी इन्वॉल्व है, चाहे वो ग्लिडा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। इनको जब पैसा हम देते हैं, हम सर्विस टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, उनके सारे इनकी सरकार ये चलती है अथॉरिटीज, तो इनका कर्तव्य बनता है कि ये समय समय पर निरीक्षण करें कि जिस हिसाब से बिल्डर पैसा ले रहा है, क्या उस हिसाब से वो कार्य भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उनका कर्तव्य है, जो हम अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए हैं। तीसरा है हमें बैंक्स पर मुकदमा करना चाहिए, वी शुड मूव द कोर्ट अगेंस्ट द बैंक्स। यस, क्यों? क्योंकि उन बैंक्स ने उन बिल्डर्स को लोन ही क्यों दिया जिन्होंने हमसे कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा पैसा ले चुके हैं।
जेपी 90% ले चुका है हमसे, और क्या उसने वो 90% खर्च कर दिया? और पैसे की जरूरत उसको है? बैंक ने उसको लेंडिंग क्यों की? इसका मतलब बैंक्स की कन्नाइवेंस है, और बैंक्स के ऊपर हमें मुकदमा इस बारे में करने का विचार करना चाहिए।